सो सीजेसल डीओ क्वेश्चन नंबर 24 डीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, तो आप लोग कीजिए इसको। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। में समझो कि 20 डेज में ए किसी काम को, किसी भी एक काम को कर लेता है, और उसी काम को बी जो है वो 12 दिन में करता है। मान लो कि 60 काम है, 60 काम है तो पर डे वर्क हमें निकालना रहता है। तो यानी कि ये 3 वर्क पर डे करेगा और ये 5 वर्क पर डे करेगा। मान लो कि फोन्स बनाने हैं जो आप मोबाइल में देख रहे हो, वही इनका काम है। तो ए जो है 20 दिन में 60 फोन बनाता है, बी जो है 12 दिन में 60 फोन बनाता है। पर डे का अगर बात करें तो पर डे में ही कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए पर डे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि पर डे का वैल्यू नहीं कर सकते। एलसीएम आप नहीं लेके कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। बस यहाँ पे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करोगे, पॉइंट में पर डे आएगा। ठीक है, बार बार बताता हूँ और हर बार बताऊंगा कि दिमाग में बातें आपकी घुस जाए तो। और यार एक चीज़, मैं चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूँ, आप लोग अच्छा लगे वीडियो, मज़ा आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब को भी कर देना। तो यहाँ 20 दिन में अगर 60 फोन बनाता है, यानी कि हर दिन ये 3 फोन बनाता है तभी 20 दिन में 60 बनाएगा। और सिमिलरली 12 दिन में अगर 60 फोन बनाता है, यानी कि हर दिन 5 फोन बनाता है, 12 बजे 60। ठीक है, तो अब बोल रहा है बी वर्क इट एट 9 डेज, यानी कि पर जो बी जो है 5 फोन हर एक दिन बनाता है, 9 दिन काम करेगा तो 45 फोन बना लेगा। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग पर मतलब क्या कि 45 फोन, 60 में से 45 फोन बचा बना लिया, तो यानी 60 में से 45 फोन बना लिया तो 15 फोन बचा। और ए का वर्क क्या, 3 मोबाइल एक दिन में बनाता है, तो 15 फोन बनाने में 5 दिन लग जाएगा। 5 डे में रिमेनिंग वर्क ए खत्म कर लेगा। आंसर क्या होगा, 5 डे। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा दोबारा समझाने का जरूरत नहीं है, कुछ और समझाने का भी जरूरत नहीं मुझे लगता है। इस क्वेश्चन को आप लोग करो और ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो आप लोग, तब तक मैं इसको हटाता हूँ, मिटाता हूँ।